वेलकम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि जो बीएड है इसके एंट्रेंस के फॉर्म जो ऑनलाइन फिल हो रहे हैं, यानी 3 अप्रैल से वो फिल हो रहे हैं और चाहे 4 और 5 मई तक उसकी थर्ड मई तक उसकी लास्ट डेट है, तो बड़े सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं कि ये कौन सी बीएड है, क्या बीएड की एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में बीएड होती है वो क्या होती है, क्या उनके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होगा, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बीएड क्या होती है, ये जम्मू यूनिवर्सिटी की बीएड क्या होती है, ये जेके बीओपी क्या चीज है, क्या एंट्रेंस के अलावा हमें बीएड में एडमिशन मिल सकती है, और क्या हमारा कोई सब्जेक्ट रहता है, अभी हमारी ग्रेजुएशन कम्प्लीट नहीं हुई तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये बड़े सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं बड़े सारे बच्चों के। तो आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि बीएड क्या है। बीएड जो है वो बैचलर इन एजुकेशन एक टीचिंग प्रोफेशनल के लिए एक डिग्री होती है, एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, ये एकेडमिक डिग्री नहीं होती, और ये 2 इयर्स की होती है, 4 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें, 4 सेमेस्टर 2 साल, और ये ग्रेजुएशन के बाद में 12th बाद नहीं होती, आफ्टर ग्रेजुएशन होती है। अगली बात ये है बीएड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं। यहाँ जम्मू में, जम्मू रीजन के अंदर बीएड 2 यूनिवर्सिटी करवाती हैं, एक जम्मू यूनिवर्सिटी और दूसरी जो अभी यूनिवर्सिटी बनी है पिछले 2 साल से, क्लस्टर यूनिवर्सिटी। ये 2 ही यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पे बीएड करवाती है। तीसरी चीज आती है बीएड होती कहाँ पे। बीएड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी है। गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक ही कॉलेज है जम्मू रीजन के अंदर, वो कैनाल रोड में है, साइंस कॉलेज के थोड़े पास, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन उसे कहते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी जो अदर्स कॉलेज आते हैं जिनमें बीएड होती है वो सभी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड होते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। आप 50 से लेके 60 तक ये टोटल कॉलेज होंगे जम्मू रीजन्स के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में है, हर एक तहसील्स में है। आप अपने नियर बाय भी देख सकते हो कि आपके नियर कौन सा गवर्नमेंट का प्राइवेट कॉलेज है बीएड का, तो यहाँ ये प्राइवेट कॉलेजेस है। अब आज ये आ जाती है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस कॉलेज में बीएड करवाती है। पहले बात करते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर जो बीएड होती है वो सभी की सभी प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जम्मू रीजन के अंदर, इनमें जो भी बीएड हो रही है ये जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर होती है। जम्मू यूनिवर्सिटी का सिलेबस, रूल रेगुलेशन, एग्जामिनेशन लेने, रिजल्ट निकालना, ये सब काम जम्मू यूनिवर्सिटी का है। जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक ही कॉलेज है जो बीएड करवाता है, वो है कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी का कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है और जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। तो ये बात याद रखना, क्लस्टर के अंदर एक ही कॉलेज बीएड करवाएगा और वो है गवर्नमेंट कॉलेज, और जम्मू यूनिवर्सिटी जो इन कॉलेजेस में करवाएंगी वो सभी हैं प्राइवेट कॉलेजेस। अगली चीज ये आती है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ये किन कॉलेजेस के लिए हो रहा है। ये एंट्रेंस टेस्ट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए हो रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस में जो भी बीएड होती है उसके लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिलती है, उसका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है। जो तो सिर्फ ये एक ही एक कॉलेज जो क्लस्टर के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उस कॉलेज की एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। अगली बात आती है जी जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेके बी ओ पी। ये क्या है? जेके बी ओ पी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली प्रोफेशनल डिग्री के एंट्रेंस टेस्ट लेती है। इसमें आप इंजीनियरिंग आ गई, एम बी बी एस आ गई, पॉलिटिकल आ गई, इसी तरह सेम यहाँ पे ये होता है कि बी एड की डिग्री भी एक प्रोफेशनल डिग्री होती है।
तो इसलिए इस संस्था का काम है कि आपका एंट्रेंस टेस्ट लेना, आपकी मेरिट लिस्ट बनानी, आपकी एडमिशन करवानी, उसके बाद सारा काम जो है वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का होगा। क्लस्टर के रूल रेगुलेशन चलेंगे, वही एग्जाम लेंगे, वही रिजल्ट निकालेंगे। तो यहाँ से ये बात साफ क्लियर हो गई है कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है ये सिर्फ एक ही कॉलेज के लिए हो रहा है, वो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, और वो कॉलेज है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर। बाकी जो अदर्स कॉलेजेस हैं वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर है, प्राइवेट कॉलेज है, और उनका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता। उनकी एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका जब सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट निकल जाएगा इन द मंथ ऑफ जुलाई, तब स्टार्ट होगा। अब जानते हैं कि यह एंट्रेंस टेस्ट है क्या चीज़। तब एंट्रेंस टेस्ट में देखे जाए तो एंट्रेंस के ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहे हैं, जेके पीओपी की साइट में आपको जाके फिल करना है। 1000 इसकी फीस है, ऑनलाइन फी भी होगी, फॉर्म के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं। तो ये सब चीज़ें वो आपको कैफे वाले भी बता देंगे, ठीक है। इस पे बताने चले तो बड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरी बात ये आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। कोर्स वही 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स हैं। एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी बात आ जाती है, एलिजिबिलिटी कि कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं वो बीएड में एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास तभी जाके आप एलिजिबल हो पाओगे। पहली चीज़ ये है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए। आप जम्मू कश्मीर का आपके पास स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, आप यहाँ के रहने वाले होने चाहिए। अगर आप बाहर किसी और स्टेट से आए हों यहाँ तो तब आपको एडमिशन नहीं ले सकते, आपका यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट होना ही चाहिए। सेकंड कंडीशन ये आती है कि आपने जो ग्रेजुएशन है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जहाँ इस जहाँ कोई और स्ट्रीम जो 12th के बाद 10+2 के बाद 3 साल के ड्यूरेशन में होती है, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग, आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट्स भी कर सकता है, होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट्स भी कर सकता है, इवन कि अगर एमबीबीएस का स्टूडेंट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन कोई भी डिग्री जो मिनिमम 3 साल में हुई होनी चाहिए, यानी जिसका ड्यूरेशन जो है वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन की है, जम्मू से की है, क्लस्टर से की है, या किसी और बाहर किसी और स्टेट से भी करके आए हो ग्रेजुएशन, वो कोई इशू नहीं है। इग्नू से की है तब भी कोई इशू नहीं है, यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन जहाँ से मर्जी की हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 साल की होनी चाहिए एटलीस्ट। अगली बात आ जाती है कि अगर आप जनरल कैटेगरीज में हो तो आपकी ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। 50% से कम मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो एडमिशन के। और अगर आप कैटेगरीज में हो, इन कैटेगरी में एस सी, एस टी, आर बी, ओ एल सी जो कैटेगरीज आती हैं, अगर उनमें से 40% मार्क्स। अब बीएड में तरह तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज जो आ जाती हैं वो स्पोर्ट्स कैटेगरी होती हैं, कुछ कैटेगरी डिफेंस पर्सनल के लिए होती हैं कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आर्मी में हैं, किसी डिफेंस में हैं। अगर एक कैटेगरी होती है कि अगर आपके पर्सन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं आपके जो पेरेंट्स, तो उनकी भी कैटेगरीज होती हैं। लेकिन जो डिफेंस की कैटेगरी, जो पुलिस की कैटेगरी, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी, उनमें जो 50% मार्क्स वो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, उनमें 50% मार्क्स होने चाहिए। एस सी, एस टी, आर बी, ए एल सी अगर कैटेगरी है तो 40% मार्क्स होने चाहिए। अगली बात ये आती है कि जैसे अभी आप कुछ बच्चे 6 सेमेस्टर में हैं जिनको अभी 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है, तो क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई 1 सेमेस्टर का सब्जेक्ट रह रहा है, वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कोई भी बच्चा दे सकता है। अगर आपका सब्जेक्ट रहता है आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, अगर आप अपीयरिंग में हो आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट के बाद जब एडमिशन होगी, उस एडमिशन के टाइम के दौरान, उस वक्त आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कम्प्लीट हो जानी चाहिए। उस टाइम आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहना होना चाहिए। जैसे 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस फिल कर देंगे, जब एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तब तक उनका रिजल्ट आ जाएगा। अगर उसमें से सभी के सभी सेमेस्टर के सभी पेपर पास हैं वो एलिजिबल हैं। जहीं पीछे अभी कुछ बच्चे हैं जिनका 4 सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम रहता है, जो 2nd सेमेस्टर में कोई एग्ज़ाम रहता है, उनके भी एग्ज़ाम होंगे। अगर उनका एडमिशन टाइम रिजल्ट निकल जाता है, अगर वो पूरा क्लियर कर लेते हैं तो उनकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन जो होती हैं इनकी बेसिकली इन द मंथ ऑफ अगस्त होती है, तो आपको ये इंश्योर कर लेना पड़ेगा कि अगस्त मंथ तक 6 सेमेस्टर का रिजल्ट तो आ जाएगा। लेकिन अगर किसी और सेमेस्टर का रिजल्ट
आना है, जैसे 2 और 4 या 5 के सप्लीमेंट्री, वो आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि अगस्त मंथ तक वो रिजल्ट आ जाने चाहिए और आपकी पूरी की पूरी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, कोई भी पेपर नहीं रहना चाहिए। तो एडमिशन के टाइम तक अगर आपके सभी सब्जेक्ट पास हो जाते हो और अगर यहाँ आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब इसमें कैटेगरीज किस टाइप की होती हैं, एक ओपन मैटागरी ओपन मेरिट कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी जिसे कहते हैं, वो 50% होती है, मतलब टोटल सीट्स में से आधी सीट्स जो है ओपन मेरिट वालों को दिए जाती है। स्टूल कास्ट के लिए 8%, उसके बाद स्टूल ट्राइब आती हैं जिसमें से एसटीजीबी एसटीएल या स्टूल ट्राइब कारगिल के अदर स्टूल कास्ट या सोशली बैकवर्ड क्लासेस के आ जाते हैं, आरबीए के आ जाते हैं, चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन आ जाते हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी आ जाती हैं, जिन पुलिस पर्सनल मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस में जिनके पेरेंट्स हैं उनकी भी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगली चीज ये आती है कि ये एंट्रेंस टेस्ट क्या है। ये एंट्रेंस टेस्ट जो है एक ही पेपर होगा, ठीक है, 180 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, 180 नंबर का ही होगा, ठीक है, और 180 ही मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। 4 कैटेगरीज होंगी, जनरल इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस जैसे जनरल नॉलेज बोलते हैं उसके 45 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड फॉर टीचिंग प्रोफेशन जो टीचिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जैसे टीचर्स रिलेटेड होते हैं ये 45 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 180 क्वेश्चन होंगे एंट्रेंस टेस्ट में और 180 मिनट्स ये आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाता तो 0.25 मार्क्स आपके टोटल में से डिडक्ट हो जाएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और अटेम्प्ट करने के बाद उसका आंसर गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आप जिसका आंसर आप देना चाहते हो अगर वाकई आपको लगता है ये ठीक है तो आप उसको फिल करिए, अगर आपको लगता है कि गड़बड़ हो रही है तो ना करें, अगर वो गलत हो गया तो टोटल में से इतने मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। 80 मिनट्स का टाइम ही है, सिलेबस इस तरह से है, टीचिंग जो एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग में कह रहे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सपर्ट, ये आप कोई भी बुक मार्केट में से ले लेंगे, ये टॉपिक जो है इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये पूरी पूरी बुक्स मिल जाती हैं ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में, आप वहाँ इंटरनेट से भी जाके इन पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे बताओ मैं उसको भेज दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग आपको सिंपल है, रीजनिंग की क्या बुक लोगे, कोई भी एंट्रेंस की बुक ले लो तो वो चलेगी, बैंक की ले लो, कोई भी एंट्रेंस की कोई भी बुक ले लो, रीजनिंग तो एक जैसी होती है। जनरल इंग्लिश वो भी आपको पता है, उसके लिए भी कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है कोई भी एंट्रेंस की तो चलेगी। जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो, इसके लिए आपको देख सकते हो बुक्स एंड ऑथर ऑफ जे एंड के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जब भी कोई भी बुक ले सकते हो मार्केट से, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाके भी सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो तो आपका ये काम हो जाए। फीस स्ट्रक्चर जो है, अभी यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि एक ईयर का 16,460, एक साल की जो फीस होगी वो 16,000 कुछ होगी, तो ये यहाँ पे लिखा गया कि ये फीस बढ़ भी सकती है तो बढ़ेगी, तो 1,000 से 2,000 बढ़ेगी। मैं इतना कहता हूँ कि एक साल की फीस जो है वो 16,000 से 18,000 के बीच ही होती है, तो यहाँ पे ईयर वाइज आपको फीस का पे करनी है तो आप कह सकते हो कि आपकी टोटल बीएड जो है वो 40,000 तक फीस होगी आपकी टोटल बीएड की 2 साल की, ईयर वाइज आपको फीस पे करनी। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, वो कॉलेज आप कह सकते हो एक साल की 40,000 से 42,000 होती है, इससे डबल लगा लो, जो प्राइवेट कॉलेज में बीएड होती है उसकी डबल फीस होती है, यहाँ सिंगल कॉलेज की जो है वो इतनी होती है। बाकी ये फॉर्म भरना है, फॉर्म वो अच्छे से कैफे में जाके आप फिल करवा सकते हो, वो बड़ा ईजिली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि सीट्स कितनी है, टोटल 200 सीट्स है। कॉलेज ऑफ एजुकेशन का जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है इसकी सिर्फ 200 सीट्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, इन 200 सीट्स में से 100 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी की हैं, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 100 सीट्स हैं, 80 कैटेगरी की 16 सीट्स हैं,
एसटीजीबी की जो है वो 12 सीट्स हैं, एसटीएल की 4, एसटी की 4, ये आप देख सकते हो ग्रुप प्रॉस्पेक्ट में एसटी के कौन आते हैं, कुछ कारगिल के आते हैं, कुछ बैकवर्ड क्लासेस के आते हैं, कुछ लेह लद्दाख क्लासेस में आते हैं। और ऐसी इस तरह आरबीए की 40 सीटें हैं, प्रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया में, ठीक है। एएलसी जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बच्चे रहते हैं उनकी 6 सीट्स हैं, डिफेंस पर्सन जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं जो डिफेंस में हैं उनकी 6 सीट्स हैं, एसपी की 4 सीट्स हैं, जिनके पेरेंट्स पुलिस में हैं उनकी 2 सीट्स हैं। तो इस तरह ये सीट्स को डिवाइड किया गया, 200 सीट्स हैं, 100 जनरल के लिए, 100 अदर्स के लिए ये मेरिट बनेगा। सेंटर्स जो हैं वो जम्मू में ही बनेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जो आप फिल करोगे वो जम्मू में ही बनेगा, एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन आ जाएगा, अभी पे करना। अब लास्ट में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका जो मेरिट है वो क्या है, किस तरह से इसका मेरिट जो डिटरमाइन किया जाता है। जैसे आपने देखा है कि जम्मू यूनिवर्सिटीज़ की जो अदर पीजी की एडमिशनें होती हैं, जो क्लस्टर की पीजी की एडमिशनें होती हैं, उसमें एंट्रेंस टेस्ट का मार्क्स भी देखे जाते हैं, आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स भी देखे जाते हैं, लेकिन बीएड में जो एडमिशन होती हैं इसमें ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देखे जाते। इसमें वही क्राइटेरिया है कि बस 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के मार्क्स के ऊपर ही मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो एंट्रेंस के मार्क्स के ऊपर ही मेरिट लिस्ट बनती है, सब जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे वो टॉप रैंक पे होगा, उससे कम वाला, उससे कम वाला, उससे कम वाला, इस तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा ये मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि अगर दो बच्चों के मार्क्स एक जैसे हैं तो कौन सा बच्चे को पहला रैंक दिया जाएगा, तो कौन से बच्चे को दूसरा रैंक दिया जाएगा अगर दोनों के एंट्रेंस के मार्क्स एक जैसे। अगर दोनों के मार्क्स एंट्रेंस के एक जैसे आ जाते हैं तो उसमें ये देखा जाएगा जब एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल जो पार्ट है आपके एंट्रेंस टेस्ट में, जो आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है 45 मार्क्स में, उस एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन में दोनों के मार्क्स जो है किस में से ज़्यादा है। सपोज अगर एक बच्चे के एंट्रेंस के टोटल 60 मार्क्स आते हैं, दूसरे के भी 60 आते हैं, तो किसको बड़ा रैंक दिया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि दोनों में से जो एप्टीट्यूड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन में जिसने ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, सपोज करो उस 60 में से उस बच्चे ने 20 नंबर एप्टीट्यूड में लिए हों और दूसरे बच्चे ने शायद 18 नंबर लिए हों, तो 20 वाले को ऊपर वाला रैंक मिल जाएगा जब दूसरे को नीचे वाला रैंक दिया जाएगा। सो इस पार्ट में जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको हायर रैंक मिलेगा। अगर यहाँ पे भी कंडीशन सेम हो जाती है कि एप्टीट्यूड में भी उनके सेम आ रहे हैं और टोटल में भी सेम आ रहे हैं, तो उन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको, एज में जो बड़ा होगा वो उसको, लेकिन इतनी कंडीशंस नहीं बनती कि वहाँ पे भी सेम और वहाँ पे भी सेम। तो सिंपल ये है कि हाँ ये कंडीशन जरूर बनती है कि दो बच्चों के एंट्रेंस के मार्क एक जैसे होते हैं, तो जब एक जैसे मार्क्स हो जाएंगे तो जिसके टीचिंग प्रोफेशनल में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको ऊपर वाला रैंक दिया जाएगा, दूसरे को नीचे वाला रैंक। रिजल्ट्स जो हैं वो कम से कम 2 या 3 हफ्ते के बाद डिक्लेयर हो जाता है इसकी, जो 23 जून को ये एंट्रेंस टेस्ट होना है, 23 जून को, तो आप कह सकते हो 15 अगस्त तक जो है, 15 जुलाई तक या 20 जुलाई तक ये इसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके रिजल्ट निकलने के बाद क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जो है वो निकलती हैं, रैंक वाइज निकलती हैं। जैसे जनरल कैटेगरी की 100 सीट्स हैं तो टॉप 100 रैंक वाले स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट निकलेगी और आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में जाके एडमिशन करवानी पड़ेगी। 5 या 6 दिन का टाइम मिलता है, इसके बाद फिर जो सीट देकर जाती इसी तरह, तो कैटेगरी वालों की जो वो सबसे लास्ट में एडमिशन होती है, पहले जनरल कैटेगरी की होगी फिर अदर्स कैटेगरी की होगी। तो ये सब कुछ है इस एंट्रेंस टेस्ट में, तो आपको यही सिर्फ चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड में है, ये उसका एंट्रेंस टेस्ट है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। 23 जून को ये एंट्रेंस टेस्ट होगा, 3rd of May तक इसके लास्ट डेट है, ये इसका सिलेबस है, 180 मार्क्स का पेपर आने वाला है। आपके जो एंट्रेंस में मार्क्स होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपके मेरिट लिस्ट बनेगी, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी या 40। ऐसा कभी हो जाए कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में आपका रैंक नंबर 1 आ जाए और पीछे आपकी ग्रेजुएशन में जो 50% मार्क्स नहीं हो, तो तब भी आपको एडमिशन नहीं मिलने वाली।
तो दो चीज़ें आपको अपने माइंड में बिठा के चलनी पड़ेंगी कि उधर से एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए और इधर से आपका जो मेरिट में रैंक आना चाहिए। सो बस इतना सही है इस रियल एंट्रेंस टेस्ट में।